सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हिमालय की तलहटी में माँ अलकनंदा के पावन तीर पर सूर्योदय के काल में इस पवित्र आश्रम की यज्ञ स्थली पर बैठ कर के हम रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। कल भगवान महर्षि वाल्मीकि जी, जिनको कुछ संकेत देवऋषि नारद जी ने साक्षात किए थे इस महाकाव्य को लिखने के लिए, कुछ आंतरिक संकेत स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने उनको आकर के दिए और कुछ उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने समाधि अवस्था में घटनाओं को और वहाँ के पात्रों के चरित्रों का उन्होंने दर्शन किया समाधि में, तत्वतः दृष्ट्वा ऐसे आया। ऐसे नहीं कि कोई कल्पना की, हूबहू जैसे थे वैसे ही उनको वो पात्र दिखाई दिए और उन्होंने इसको लिखना शुरू किया। तो उन्होंने समाधि अवस्था में श्री राम के जन्म से लेकर के उनके लालन पालन से लेकर के उनका विश्वामित्र के साथ ताड़का आदि राक्षसियों का वध, सीता माता जानकी के साथ उनका स्वयंवर, फिर राज्याभिषेक की घोषणा और उसमें विघ्न आना, ये सब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। यही हम आगे पढ़ रहे थे। नाना चित्र कथाश्चान्या विश्वामित्र सहायने जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनम् राम राम विवादं च गुणान्ताश्रथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकय्या दुष्टभावताम्। और वहाँ पर फिर राम राम विवादं च, परशुराम और श्री राम का विवाद हुआ, गुणान्ताश्रते तथा, और वहाँ उन्होंने उनको विनम्रता पूर्वक शास्त्रार्थ में पराजित किया। तथाभिषेकम, उसके बाद विवाह करके अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद महाराजा दशरथ ने राज्याभिषेक की घोषणा की। कैकय्या दुष्ट भावताम, और एक मंथरा के गलत मंत्रणा देने से कैकेयी के द्वारा उनके राज्य अभिषेक में विघ्न डालना। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है कि व्यक्ति अच्छा ही होता है लेकिन कभी कभी काउंसलिंग गलत हो जाती है, गलत लोग जो है ना वो बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे कई बार परिवार भी टूट जाते हैं। ये भी परिवार ही था और बिल्कुल इतना अच्छा एक उत्सव जैसा माहौल बना था अयोध्या में, लेकिन उसको पूरा मातम में बदल दिया। ये मंथराएं बाहर भी होती हैं, अंदर भी होती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई महिला, थोड़ा सा भी हमारे को उस तरह की कोई नेगेटिव काउंसलिंग कर दे कि ये जब तक इनका प्रभाव रहेगा तो तुम्हारे को तो कोई पूछेगा ही नहीं, बस। मतलब मैंने ऐसे बदलते हुए देखा लोगों को जो जिनकी बहुत प्रीति थी, श्रद्धा थी और
कोई मन में भी द्वेष का भाव ही नहीं था। और उन्हीं के घर वाले लोगों ने, मतलब कई बार तो सगे माता पिता भी इतना नुकसान कर देते हैं, बोले जब तक यहाँ आश्रम में गुरुकुल में इनका प्रभाव रहेगा तो तब तक तुम्हें कौन पूछेगा। उसको लगा हाँ ये बात तो सही है, फिर मेरे को कौन पूछेगा। तो ऐसा विद्वेष पनपने लगता है फिर कि मतलब वो पूरा तबाह हो जाता है। घरों में ऐसे होता है, कोई बहू आती है इतने अरमान लेकर के और उस सारे घर परिवार को अपना माता पिता जैसे वो स्वीकार कर लेती है, सारे काम अच्छे से करती है, पति की भी सेवा करती है, और एक दिन कोई पड़ोसी ना करके बोले इसको हमने देखा है ये तो हमेशा से ही ऐसी है, कभी इसने काम किया अपनी ज़िंदगी में और अब आकर के तू पूरा काम करती है, ये कौन सी मतलब बुढ़ी हो गई अभी से, इसकी 50 साल की उम्र तो सारी है तो ये नहीं कर सकती, कल तक भी तो ये सारा काम करती थी और इसको आज ये नहीं लगता है भाई ये भी किसी की बेटी है और इसको थोड़ा सारा काम इस तेरे ऊपर ही डाल दिया। बस उसको ये लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो इनको करना ही चाहिए और बस एक वैमनस्य का भाव पैदा हो जाता है। अब कोई सास जो है वो बोले मेरे बेटी तो थी नहीं, बेटे ही थे, ये बहू आई है मेरे लिए तो ये बेटी ही है, तो वो उसके लिए चाय भी बना देती है, खाना भी बना देती है, घर में सफाई भी करवा देती है, हेल्प भी कर देती है उसकी, और बड़ा अपने मिलजुल के प्रेम से रहते हैं। 2-4 महीने शादी को हुए हैं तभी कोई आती है बोले तू अभी 50 साल से तू ही कर रही थी ये सारा काम और आज भी तू ही करती रहेगी तो ये शादी करने का फ़ायदा क्या, और इसको तो फिर आदत पड़ जाएगी, तो जब ये आई है तो इसको करना चाहिए बहू का काम। तो देख जब हमारे और तुम्हारे ज़माने में जब हम दुल्हन बन के आए थे तो हमारे साथ क्या क्या होता था, सास खाना भी नहीं देती थी और कितनी जल्दी हम उठते थे, चक्की भी चलाते थे, कपड़े भी हाथ से धुलते थे, अभी तो कुछ भी नहीं करना है, मशीन से तो आटा पीसता है, मशीन से कपड़े धुलते हैं और वो भी तो इसको नहीं, ये तो बिल्कुल सर पे चढ़ जाएगी ऐसे तो परंपराएं पूरी चेंज हो जाएंगी, तो बहू को बहू के ढंग से रखना चाहिए। उसको लगता है हाँ ये बात तो ठीक है, मैंने भी तो कितना किया और आखिर मैं इतना करती हूँ तो मतलब बेटे को भी ऐसे नहीं लगता है कि माँ कितनी परेशान होती, मतलब ये वैमनस्य पैदा करने में वो ठीक है, हमारे भी संस्कार हैं राग द्वेष मोह के, अज्ञान के, वरना तो किसी के कितना भी कहने पर हम चेंज नहीं होते, लेकिन जब तक संस्कार हैं तो ये जो आलंबन हैं ये ऐसे ही हैं जैसे आग के लिए मिट्टी तेल काम करता है, आलंबन आते ही वो संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप माना गया है, इसको पैशुनम कहा है, किशुनता चुगली करना, निंदा करना, और वहाँ पर इसको आसुरी संपद बताया है गीता में, और ये भी बताया उसका फल ये बताया कि ये जो इस प्रकार के प्राणी हैं ना जो हमेशा आसुरी प्रवृत्ति में ही रचे पचे रहते हैं उनको फिर मैं निम्न योनियों में फेंक देता हूँ और अजस्र काल के लिए फेंक देता हूँ, ऐसा नहीं थोड़े बहुत पीरियड के लिए उनको शिक्षा देने के लिए भेजा, लंबे समय तक फिर वो वहीं घूमते रहते हैं 84 लाख योनियों में, और उनको पूरा जब वो तड़फ तड़फ के उनको ये अंदर से ये प्रेरणा हो जाती है कि काश हम भी मनुष्य होते, और बहुत ज़्यादा घनीभूत हो जाती है वो अभीप्सा, और अनंत अनंत अनेक अनेक जन्मों में जब उनके वो पाप वाले जो संस्कार थे वो भोग लेता है, समाप्त हो जाते हैं, तब कहीं जाके बहुत लंबे अरसे के बाद फिर उसको ये चांस मिलता है। हम सब वैसे ही, पता नहीं हम कितने कितने योनियों में ठोकर खा करके आए हैं, क्या क्या कष्ट भोग करके आए हैं, लेकिन यहाँ आते फिर भूल जाते हैं, एक चांस मिला उसको फिर भूल जाते हैं। तो वो कथानक के लिए सुना मैंने कि कोई एक ऐसा दीवार है राउंड और उसमें बाहर निकलने का केवल एक ही दरवाज़ा है, केवल मात्र, बाकी कोई दरवाज़ा नहीं है, चारों तरफ से राउंड है वो, और एक सूरदास व्यक्ति को जिसकी आंखों पे पट्टी भी बंधी है और दिखता भी नहीं है उसको उसमें छोड़ दिया जाता है।
और वो बहुत बड़ी है वो दीवार, वो मतलब उसमें वो व्यक्ति वर्षों तक घूमता रहता है, इतनी बड़ी है वो, कोई महीने नहीं। और उसको कहा जाता है भाई जब तू दरवाजे के पास आए दरवाजा खोल के बाहर निकल जाना, तो तुझे दृष्टि भी मिल जाएगी और मुक्ति भी मिल जाएगी, और तब तक तो वहाँ पर तेरे को यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तो वो बेचारा अंधा है, उसको दिखता भी नहीं है, तो वो दीवार को ऐसे टटोलता 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 चलता रहता है, तो पूरा हाथ से ऐसे देखता रहता है कि कहाँ दरवाजा आए कहाँ दरवाजा आए, क्योंकि दिखता तो है नहीं। वो पूरा वो राउंड ले लेता है वो वर्षों में, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जैसे ही वो दरवाजा आया उसी समय उसको थोड़ी खुजली चल जाती है, तो वो खुजाने लगा, थोड़ा सा ऐसे ही 5-4 कदम आगे चला गया, बिना उसको टच किए दरवाजा निकल गया। अब फिर उतना ही बड़ा राउंड लगाओ, फिर ऐसे होता है बाई चांस वो दरवाजे के पास आता है, उसी समय उसको कुछ खुजली चलती है, कुछ उसको पैर में कोई चींटी काटती है और वो उसको मिस कर देता है। ये हालत एक अंधे व्यक्ति की नहीं है, ये हालत हम सब आत्माओं के अंधेपन की है। हमें केवल एक चांस मिला है ये मनुष्य जीवन का, यही एक दरवाजा है मात्र सब प्रकार के दुखों से निकलने का। और जब इस दरवाजे के पास हम आते हैं तो हमें भोगों की खुजली चल जाती है। एक दरवाजा था निकलने का मानव जीवन, और उसमें भी ज्ञान का एक दरवाजा, सांख्य कारिका में भी आया आया है ये, रूपई शब्द भी बधनाति आत्मानम विमोचयति एकेन रूपेण। ये जो प्रकृति है ये 7 रूपों से तो हमें बांधती है, बुद्धि एक इसका रूप है जो जिससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो वहाँ भोग ऐश्वर्य आदि हैं, अज्ञान आदि हैं, वो सब बांधने वाले हैं, बुद्धि के ही रूप हैं। एक रूप है केवल ज्ञान का, विवेक ख्याति वाला। तो मनुष्य को चाहिए कि दिन भर कम से कम 2-4 बार तो कुछ ऐसे व्यक्तियों से चर्चा करे, उनसे कुछ ऐसे ग्रंथ पढ़े, माने बार बार उसका जो है वो प्रवाह बन जाना चाहिए चित्त का, कि ये शरीर है, ये प्रकृति है, ये इंद्रियां हैं, ये मैं चेतन आत्मा हूँ, ये मेरे को चांस मिला है और मेरे को प्रतिपल निरंतर उसका अभ्यास करना है। काम तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन काम मेरे लिए गौण है, ये सब सेकेंडरी हैं काम, और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी वो है, क्योंकि ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। और इस समय ये जो खुजली चल गई तो फिर उतनी ही योनियों में मुझे धक्के खाने पड़ेंगे, उतना ही मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। तो ये बड़ा गोल्डन चांस है, मैं कितने उस डिवाइन सुख को, उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ और प्राप्त करके रहूँगा एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। ये अपने आप को बार 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 व्यक्ति को काउंसलिंग करनी चाहिए। और ये केवल सुबह शाम बैठने के लिए, सुबह शाम जरूर बैठना चाहिए, उसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। और कुछ तो ऐसे भी हैं, ऐसे आश्रम भी हैं कि जिनमें हर 2 घंटे के बाद वहाँ बैठने की प्रथा है, दिन में कम से कम वो 4 बार 4 घंटे या 6 घंटे ध्यान करते हैं, जिन्होंने केवल इस मार्ग को, इसी को अपना लक्ष्य बनाया है। और उन्होंने नहीं, ये मनुष्य मात्र का यही लक्ष्य है। ठीक है, उन्होंने एक अपनी व्यवस्था ऐसी बना ली कि हम 6 घंटा ध्यान करेंगे, बाकी के 6 घंटे काम करेंगे, सेवा करेंगे। काम क्या? सेवा। कुछ व्यक्ति ऐसे भी बना सकते हैं कि ठीक है हम 2 घंटा ध्यान करेंगे, बाकी के 10 घंटे सेवा करेंगे, लेकिन सेवा भी ध्यान पूर्वक करेंगे। तो हर प्राणी मात्र के लिए इन दुखों से छूटना पॉसिबल है। तो यहाँ भी हमारे अंदर भी ऐसी मंथराएं पैदा होती रहती हैं। वो कहती हैं कि ये मिला है, इसका परित्याग करना, आखिर भगवान ने ये बच्चे भगवान ने दिए हैं ना, ये भी तो भगवान का ही रूप है, तो बच्चों के साथ खेलो, क्या सारे दिन भगवान भगवान। भाई ये धन ऐश्वर्य दिया है जो भगवान ने, मकान गाड़ी मोबाइल खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे अच्छे फल, तो ये जब ईश्वर ने भेजा है तो ये उसकी भेजी हुई गिफ्ट है, तो उसको खाओ और आनंद लो, आनंद लो, बच्चों के साथ खेलो,
खाने पीने की चीज़ें खाओ, अच्छे वस्त्र पहनो, आभूषण कोई मनाही नहीं है, खूब धन कमाओ, खूब अच्छे मकान बनाओ, गाड़ी लाओ, मोबाइल लाओ, वस्तुएं दुख नहीं देती हैं कभी भी। और ये सच है कि भगवान ने ही ये सब दिया है, लेकिन उनके प्रति आसक्त होकर भगवान को भूल जाना ये दुर्भाग्य है। बराबर भगवान जी याद रहें और उसमें लेश मात्र भी आसक्ति ना हो। सब प्रकार के जो भी संसाधन मिले हैं, थोड़े ज़्यादा मीडियम, उसको लेकर के परम संतुष्ट रहना और उनमें आसक्ति का भाव ना होना और उसको अपना नहीं मानना, बस इतनी सी तो ट्रिक है और ये हम सबको ज़रूर करना चाहिए। तो खैर, इन्होंने देखा कि मंथरा ने विघ्न डाला और कई कई जैसी प्रेम करने वाली अच्छी महिला थी वो, और अच्छे होते हैं उन्हीं को ही बुरा बनाया जाता है उनको काउंसलिंग करके। कुछ लोग होते हैं ऐसे, अच्छे लोगों को ही बुरी काउंसलिंग करके कुछ लोग दूध में जामुन डाल देते हैं, क्योंकि वो भोले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, और उनको गलत दिशा दे देते हैं। वो बहुत अच्छी थी कई, बेचारी का पूरा जीवन नर्क बना दिया मंथरा ने, जब तक जी। यद्यपि राम ने कोई रिएक्ट नहीं किया, सीता माता ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई अपशब्द नहीं कहा उनको, महाराजा दशरथ ने भी अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। वो राजा थे, चाहते तो उसको कहीं काल कोठरी में डाल देते। माता कौशल्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन दूसरे यदि क्षमा कर भी दें तो हमारा किया हुआ पाप, हमारा हृदय उसको क्षमा नहीं करता है। ये भी बड़ी बात है कि दूसरे क्षमा कर दें, वरना तो दूसरे भी दंड देते हैं यदि उनकी ऊंची स्थिति नहीं है तो। पर यदि कोई दूसरा व्यक्ति इतना उसका उदार हृदय है, वो उनको माफ़ कर भी दे, अपने आप से कहाँ भागेगा व्यक्ति। इतनी ग्लानी हुई कैकेयी को कि उसका पूरा जीवन ही नर्क बन गया। तो रामायण पढ़ने का ये भी एक लाभ है कि हम देखते हैं भाई दूसरे व्यक्ति ने ऐसे किया तो ये फल मिला, ऐसे किया तो ये फल मिला। श्री राम ने, माता कौशल्या ने धैर्य रखा, पॉजिटिव भावना रखी। पॉजिटिव भावना काम ही तब आती है जब दूसरा व्यक्ति सामने नेगेटिव कर रहा हो, वरना तो सारे ही ज्ञानी हैं। पर जब आपकी दृष्टि में दूसरा आपके अनुकूल आचरण नहीं कर रहा है, उस समय भी आप अपने को समता में रख सकें, इसका नाम समझदारी है, इसका नाम साधना है। वो उसका व्यू है, वो जो देख रहा है, उसको जैसा लग रहा है, वो जैसा सोच रहा है, उसको सोचने दो, उसकी अपनी बुद्धि है। ऐसे भी होता है, अच्छे लोगों के बारे में बुरा सोचते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको दोष ही दिखाई देते हैं। श्री राम इतने अच्छे हैं, माता कौशल्या कितनी अच्छी हैं, और उनको मतलब उसमें भी नेगेटिव ही दिखाई देता है। उनके अपने संस्कार हैं, तो उनके कारण हम क्यों उनके साथ उलझें। हमें उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, हमें अपने रास्ते पे चलते रहना है। भाव यही रखना है कि इनका भी कल्याण हो, क्योंकि इनको भी ये मनुष्य जीवन मिला है, ये भी समझें कुछ चीज़ों को। लेकिन समझेगा व्यक्ति अपने कालक्रम से, भाव रखें, बाकी उसके ऊपर छोड़ दें। तो श्री राम ने उनके ऊपर छोड़ दिया, मंथरा के ऊपर, कैकेयी के ऊपर। और ये महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने समाधि में, अपने ध्यान अवस्था में उन्होंने पूरा ये देखा। तस्याभिषेकम रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम विघातम च अभिषेकस्य, अभिषेक का विघात उन्होंने देखा। रामस्य च विवासनम, और श्री राम का वनवास गमन भी देखा। राज्ञः शोकम, महाराजा दशरथ के शोक को देखा। विलापम च, और शोक के कारण जो विलाप कर रहे थे उसको भी देखा। परलोकस्य च आश्रयम, और उस विलाप करते हुए शोक में परलोक भी गमन कर गए, उसको भी उन्होंने समाधि अवस्था में देखा। शोक बहुत बुरा होता है, अर्जुन को भी शोक ही लगा था। और कोई भी बाहर की, कोई गरीबी, कोई भूखमरी, कोई साधनों की न्यूनता,
मकान की न्यूनता, कपड़ों की न्यूनता ये व्यक्ति को ज़्यादा कष्ट नहीं देती है। देती तो है, बहुत ज़्यादा नहीं देती है, लेकिन अपने विचारों की, हृदय की, भावनाओं की जो दरिद्रता है ना, जो व्यक्ति हृदय से हमेशा कुढ़ता ही रहता है, मैं अच्छा, मतलब ये भी एक शौक ही है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा कब बनूँगा, मेरे अंदर कब अच्छे गुण आएंगे, मतलब ये सोचना भी, अरे भाई तो जो है तो अच्छा ही है और अच्छा बन के करना अब काम। कुछ लोग मतलब साधना में भी इसी टेंशन में, उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं, मेरे अंदर अभी बहुत त्रुटियां हैं, मेरे अंदर अभी बहुत दोष हैं, आज फिर मैंने ये दोष कर दिया, मैं कैसे अपने आप को माफ़ करूं। अच्छा तो तू उलझा ही रहे, फिर जो है उसको एक साइड में रखना, तेरे को जो बनना है वैसा आचरण शुरू कर दे। तू मान ले मैं ऐसा ही हूँ, अच्छा हूँ मैं, ऐसा मान, और अच्छा बन के मुझे क्या करना है वो काम आज से शुरू कर दे। और नाटक करते करते भी व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। महात्मा गांधी ने नाटक किया था सत्यवादी हरिश्चंद्र का, और नाटक करते करते वो वैसा ही बन गया। तो कई बार हमें सत्य आचरण का नाटक भी करना पड़े तो नाटक से ही शुरू करो। मानो किसी व्यक्ति को ये है कि भई हमेशा रोते रहना, इसकी बजाय तो हम अंदर कोई कष्ट भी है, पीड़ा भी है, तो भी अंदर बाहर से रोना नहीं चाहिए, और उसमें समता में रहना चाहिए, और समता में रहते रहते फिर अंदर से भी समता आ जाती है कुछ समय के बाद। और यदि व्यक्ति बाहर से भी प्रयासपूर्वक भी, पहले तो नकल की जाती है अच्छे लोगों की कि ये अच्छे लोग ऐसे जीते हैं तो हम भी ऐसे जिए, और फिर नकल करते करते हम वैसे ही बन जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जब राजा हरिश्चंद्र की नकल करने में इतना सुख मिलता है तो क्यों ना हम भी हरिश्चंद्र ही बन जाएं, हम क्यों ना सत्य का आश्रय ले लें। उन्होंने फिर उनको राष्ट्रपिता बना दिया। तो इन्होंने शोक के कारण विलाप करते हुए महाराजा दशरथ का परलोक गमन, प्रकृति नाम विषादम च प्रकृति नाम विसर्जनम, और कहा कि प्रकृति का, प्रकृतियों के विषाद को भी देखा और प्रकृति नाम विसर्जनम, प्रकृति के विसर्जन को भी देखा। निषाद अधिप संवादम, निषाद का और अधिप मतलब महाराजा राम का संवाद भी देखा। सूतो पावर्तनम च तथा, और सूत मतलब सुमंत, उपावर्तन वापस लौटना, सुमंत गए थे वहाँ तक छोड़ने, निषाद जहाँ मिले सरयू के तीर के पार तक रथ में, तो सूत उपावर्तनम तथा आर्य सुमंत का वापस लौटाना, ये सारी घटनाएं उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समाधि अवस्था में देखी। गंगायाश्चापि संतारम भरद्वाजस्य दर्शनम, भरद्वाजभ्यनुज्ञाना चित्रकूटस्य दर्शनम, वास्तुकर्म निवेशम च भरतागमनम तथा प्रसादनम च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां, पादुकाग्राभिषेकम च नंदीग्राम निवासनम, दंडकारण्यगमनम विराधस्य वधम तथा दर्शनम सर्वभंगस्य सुतिक्षणेन समागमम, अनसूया समाख्यां च अंगरागस्य च अर्पणम, दर्शनम चाप्यगस्तस्य धनुषो ग्रहणम तथा शूर्पणख्याश्च संवादम विरूपकरणम तथा वधम खरत्रिशिरशो रुत्थानम रावणस्य च मारीचस्य वधम चैव वैदेह्याहरणम तथा राघवस्य विलापम च गृध्रराज निबर्हणम, कबंध दर्शनम चैव पंपायाश्चापि दर्शनम, शबरी दर्शनम चैव फलमूलाशनम तथा प्रलापम चैव पंपायां हनुमद्दर्शनम तथा
ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वाली सुग्रीव विग्रहं वाली प्रमथनं चैव सुग्रीव प्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्र निवासनं कोपं राघवसिंहस्य बालानाम् उपसंग्रहं दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अंगुलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव संपातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लंघनं समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनं राक्षसीतर्जनं चैव छायाग्राहस्य दर्शनं सिहिकायाश्च निधिनं लंकामलयदर्शनं रात्रौ लंकाप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनं आपानभूमिगमनं अवरोधस्य दर्शनं। ये सब देखा महर्षि वाल्मीकि जी ने। गंगायाश्च संतारम भरद्वाजस्य दर्शनम, कैसे निषाद राज ने अपनी नौका से अपनी नाव से गंगा से उनको पार तारा और वहाँ से पार उतर के भरद्वाजस्य दर्शनम, वे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। भरद्वाज अभ्यनुज्ञानात् और महर्षि भरद्वाज की आज्ञा लेकर के उनकी अनुमति लेकर के चित्रकूटस्य दर्शनम, फिर वो चित्रकूट गए, वहाँ जा कर के उन्होंने एक पर्णकुटी बनाई तो उसका भी दर्शन किया महर्षि वाल्मीकि जी ने। वास्तुकर्मनिवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितश्च शलिलक्रियां। और वास्तुकर्मनिवेशं च, वहाँ पर जाके चित्रकूट में जाके उन्होंने वास्तुक्रम के अनुसार एक पर्णकुटीर बनाई, उस पर्णकुटीर में भरतागमनम, जब भरत ननिहाल से आए तो पिता के वो सब करके क्रिया आदि करके और श्री राम को पुनः आगमन के लिए उनको निवेदन करने के लिए सभी अयोध्या वासियों के साथ आए तो वो भी उन्होंने देखा भरतागमनम तथा प्रसादनम च रामस्य, और राम को खुश करने के लिए, श्री राम की प्रसन्नता के लिए जो उनका आगमन। पितुश्च सलिल क्रियाम, और पिता की जो अंतिम क्रियाएं थी उन सब का करना। पादुकाग्र अभिषेकम च, और पादुका ग्रहण करके ले जाना माने खड़ाऊं को लेके जाना श्री राम से, और उन खड़ाऊं का ही अभिषेक करके उनको राज सिंहासन पर विराजित करके नंदीग्राम निवासनम, नंदीगांव में उनका निवास। तो इधर तो भरत जी ने आकर के अपने राज्य सिंहासन के ऊपर चरण पादुकाओं को रख दिया और ये नंदीगांव में निवास करने लगे, मिट्टी से भी नीचे, धरती से भी नीचे 3 फीट जगह खोद करके और उसमें घास फूस डाल करके उसमें निवास करते थे। इधर से श्री राम वहाँ से आगे बढ़ गए क्योंकि लोगों को पता लग गया कि ये तो चित्रकूट रहते हैं तो फिर तो लोग रोज आने लगेंगे मिलने के लिए। तो इस भय के कारण और फिर उनका जो राक्षस वध जो मिशन था वो भी पूरा नहीं हो पाता तो वो उधर दंडकारण्य में प्रवेश कर गए, ये भी देखा।